हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष। आज हम लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 10th 2020-21 के लिए ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी लेंगे। देखेंगे कि इस साल के ब्लूप्रिंट में किस तरह के प्रश्न आएंगे, कौन कौन से चैप्टर से कितने अंक आवंटित हुआ, इन सभी के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी से, तो हिंदी में क्या क्या आने वाला है इसको देखते हैं। बादल को घिरते देखा है, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, इससे 8 अंक आवंटित हुए हैं। टोटल इसमें से 4 प्रश्न आएंगे। अपनी अपनी बीमारी, जनतंत्र का जन्म, इसमें से 8 अंक रहेगा, जिसमें इसमें भी 4 प्रश्न होंगे। माटी वाली घीसा, इससे 8 अंक आवंटित हुआ, इसमें 5 प्रश्न होंगे। अमर शहीद वीर नारायण सिंह, गृह प्रवेश, छत्तीसगढ़ की लोक कथाएं, 7 अंक, इसमें भी 4 प्रश्न होंगे। ये जिंदगी फेर चमक जाए, मरिया, 6 अंक, इसके लिए 3 प्रश्न होंगे। जीवन का झरना, एक था पेड़ एक था ठून, 7 अंक रहेगा। टोटल इसमें 4 प्रश्न होंगे। मध्ययुगीन काव्य मीराबाई, मैं लेखक कैसे बना, जेब कतरा, 8 अंक। टोटल इसमें 3 प्रश्न होंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, 5 अंक, जिसमें 2 प्रश्न होंगे। अपठित गद्यांश तथा पत्र लेखन, इसमें से रहेगा 10 अंक, 2 प्रश्न होंगे। निबंध एक ही रहेगा, उसके लिए 10 अंक आवंटित हुआ है। अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश का। पोर्स पैसेज सीन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इंक्लूडिंग वोकेब, इससे 8 अंक का रहेगा और एक ही प्रश्न रहेंगे। और यहाँ पर पोएट्री टेक्सचुअल से 5 अंक के प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट एनी 4, 12 नंबर का प्रश्न होंगे। पोर्स पैसेज अनसीन, ये 10 अंक का रहेगा। पोएम अनसीन रहेगा 5 नंबर का। ग्रामर रहेंगे 15 नंबर का। राइटिंग लेटर पैराग्राफ 8 नंबर्स का रहेगा। राइटिंग नोटिस पोस्टर 4 अंक के होंगे। ऐसे राइटिंग होगा 8 अंक का। तो इंग्लिश में 17 प्रश्न आएंगे जो 75 नंबर्स के रहेंगे। अगला देखते हैं हम लोग संस्कृत। शब्द रूप संख्या से 4 अंक रहेंगे। धातु रूप अवयव से 5 अंक रहेंगे। संधि से 3 अंक रहेंगे। समास से 3 अंक। तद्धित प्रत्यय से 3 अंक रहेगा। कारक वाच्य प्रकरण एवं अशुद्धि शोधन से 5 अंक। उपसर्ग से 3 अंक। अपठित गद्यांश पत्र लेखन से 8 अंक। निबंध रचना से 6 अंक। पाठ्यपुस्तक से गद्यांश पद्यांश प्रश्नों के उत्तर सुभाषित सूक्ति वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो संस्कृत में 18 प्रश्न होंगे, 75 नंबर्स का पेपर होगा। अब हम लोग अगला विषय देखते हैं। तो अगला विषय गणित के बारे में देखेंगे। तो बीजगणित, तो बीजगणित से 20 नंबर के प्रश्न आवंटित हुआ है, जिसमें से 1 नंबर के 4 प्रश्न, 2 अंक के 2 प्रश्न, 3 अंक के 2 प्रश्न और 6 अंक के 1 प्रश्न होंगे। तो इसमें टोटल आपका 9 प्रश्न होंगे। दूसरा देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें 8 अंक आवंटित किया गया है, 1 अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक के 1 प्रश्न, 4 अंक के 1 प्रश्न, इसमें टोटल 4 प्रश्न आएंगे। वाणिज्य गणित, इससे 7 अंक आवंटित हुआ है, 1 अंक के 2 प्रश्न, 5 अंक के 1 प्रश्न, यानी कि इससे 3 प्रश्न आएंगे। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से 11 अंक आवंटित हुआ है, 1 अंक के 3 प्रश्न, 2 अंक के 1 प्रश्न और 6 अंक के यहाँ पर क्या आएंगे, 1 प्रश्न आएंगे, इसमें 5 प्रश्न होंगे। ज्यामिति, ज्यामिति से 12 अंक आएगा, 1 अंक के 3 प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न नहीं होंगे इसमें और इसमें 4 अंक के 1 प्रश्न होगा, 5 अंक का 1 प्रश्न होगा। टोटल इसमें 5 प्रश्न आएंगे। क्षेत्रमिति से 8 अंक आवंटित हुआ है, जिसमें से 1 अंक के 1 प्रश्न, 3 अंक के 1 प्रश्न, 4 अंक के 1 प्रश्न होंगे। सांख्यिकी से 9 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें से 2 अंक के 1 प्रश्न, 3 अंक के 1 प्रश्न और 4 अंक के 1 प्रश्न होंगे। तो गणित में कुल प्रश्नों की संख्या 18 होगी, जो 75 नंबर का रहेगा। अगला विषय हम लोग देखते हैं विज्ञान का। तो विज्ञान में क्या क्या आने वाले हैं इसको देखते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इन चैप्टरों को मिलाकर 8 अंक के प्रश्न आएंगे। 1 अंक के 2 प्रश्न होंगे, 2 अंक के 1 प्रश्न होंगे और 4 अंक के 1 प्रश्न होंगे, तो इसमें 4 प्रश्न आएंगे। धातु एवं धातु कर्म, अधातुओं का रसायन, 8 अंक का रहेगा, 1 अंक का 2 प्रश्न रहेगा, 6 अंक के 2 प्रश्न होंगे। तो इस तरह से इसमें 8 अंक के आवंटन हुए हैं, जिसमें 3 प्रश्न होंगे। दैनिक जीवन में रसायन, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, इससे 8 अंक आवंटित हुआ है, 1 नंबर के 2 प्रश्न,
दो नंबर के एक प्रश्न और चार नंबर के एक प्रश्न होंगे। उष्मा एवं ताप, ऊर्जा, स्वरूप एवं स्रोत, इससे सात अंक आवंटित हुआ है। एक अंक के दो प्रश्न, दो अंक के एक प्रश्न और तीन अंक के एक प्रश्न होंगे। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, समतल सतह से एवं गोली सतह से, इससे दस अंक का आवंटन हुआ है। एक अंक के दो प्रश्न, तीन अंक के एक प्रश्न और पाँच अंक के एक प्रश्न होंगे। विद्युत धारा एवं परिपथ के चुंबकीय प्रभाव, इसमें से नौ अंक आवंटित हुआ है। एक अंक के एक प्रश्न, तीन अंक के एक प्रश्न और पाँच अंक के एक प्रश्न होंगे। जीवों का विकास, आनुवंशिकी, जनकों से संतानों तक, इससे आठ अंक का आवंटन हुआ है। एक अंक के एक प्रश्न होंगे, तीन अंक के एक प्रश्न होंगे और चार अंक के एक प्रश्न होंगे। जैविक क्रियाओं से आएगा, जैविक प्रक्रियाओं से तेरह अंक का आवंटन हुआ है, जिसमें एक अंक के एक प्रश्न, दो अंक के एक प्रश्न, चार अंक के एक प्रश्न और छः अंक के दो प्रश्न होंगे। तो इसमें चार प्रश्न आएंगे। हमारा पर्यावरण, इसमें चार अंक का आवंटन हुआ है। एक अंक के दो प्रश्न, तीन अंक के एक अंक के दो प्रश्न और दो अंक के एक प्रश्न होंगे। तो विज्ञान में 18 प्रश्न आएंगे, जो 75 नंबर का होगा। अब हम लोग आखिरी विषय सामाजिक विज्ञान देखते हैं, SST के बारे में देखते हैं। संसाधन और विकास, विकास और समझ से नौ अंक का आवंटन हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध से चार अंक के प्रश्न आएंगे, जो एक ही प्रश्न रहेगा, दीर्घ उत्तरी। भारत के संविधान का निर्माण, संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार, इससे छः अंक के प्रश्न होंगे, ये भी दीर्घोत्तरी। सिर्फ एक ही प्रश्न की तैयारी करना है दीर्घोत्तरी के लिए। कृषि, दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी, मुद्रा एवं साख, इससे दस नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें दीर्घोत्तरी प्रश्न पाँच अंक के एक प्रश्न होंगे, दो अंक के अति लघु उत्तरी प्रश्न एक रहेंगे और एक अंक के तीन प्रश्न होंगे। खनिज संसाधन और औद्योगिकरण, दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध, इससे 11 अंक के प्रश्न होंगे, एक नंबर के तीन प्रश्न, दो नंबर के दो प्रश्न और चार नंबर के एक प्रश्न होंगे। मानव संसाधन, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली, इससे 7 अंक होंगे, इसमें से 3 अंक के एक प्रश्न और 4 अंक के एक प्रश्न होंगे। उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध, इसमें 8 अंक आवंटित हुआ है, 3 अंक के एक प्रश्न होंगे, यानी कि एक नंबर के तीन प्रश्न होंगे, दो नंबर का एक प्रश्न और तीन नंबर का एक प्रश्न होगा। लोकतंत्र में जनभागिता, तो लोकतंत्र में जन सहभागिता में 8 अंक आवंटित हुआ है, यानी कि एक नंबर के दो प्रश्न और यहाँ पर 6 नंबर के एक प्रश्न होंगे। तो इससे भी दीर्घोत्तरी प्रश्न आने वाले हैं। लोकतंत्र और सामाजिक, इससे 12 अंक का आवंटन हुआ है, एक अंक के एक प्रश्न, तीन अंक के दो प्रश्न और पाँच अंक के एक प्रश्न। तो सामाजिक विज्ञान में भी प्रश्नों की संख्या 18 होगी, जो 75 नंबर का होगा। होपफुली सारा चीज़ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब यर। थैंक यू।